ऊपर न्यूमरेटर में एक्स की पावर हाफ है, तो ऐसा कुछ लेट करो जिसका डेरिवेटिव एक्स की पावर हाफ आता हो। मतलब मैं ऐसा क्या लेट करूं जिसका डेरिवेटिव करने पे एक्स की पावर हाफ आ जाए। जरूरी नहीं है कि जो टर्म लेट लिया जाता है वो क्वेश्चन में मौजूद हो, ये ध्यान रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, चैप्टर लिया इंटीग्रेशन। एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लिया है मैंने। इस तरह का क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट कर पाना बच्चों के लिए मुश्किल है, तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कोई रिलेशनशिप दिख ही नहीं रहा है, मतलब कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखो, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है सब्स्टिट्यूशन वाला टर्म हो सकता है क्वेश्चन में ही मौजूद ना हो। हाँ, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन वाला टर्म क्वेश्चन में ही मौजूद ना हो। तो देखो कैसे, ऊपर न्यूमरेटर में एक्स की पावर हाफ है, तो ऐसा कुछ लेट करो जिसका डेरिवेटिव एक्स की पावर हाफ आता हो। मतलब मैं ऐसा क्या लेट करूं जिसका डेरिवेटिव करने पे एक्स की पावर हाफ आ जाए। जरूरी नहीं है कि जो टर्म लेट लिया जाता है वो क्वेश्चन में मौजूद हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा चेक करो कि अगर मैं लेट करूं एक्स की पावर 3/2 को टी, अपनी तरफ से कोई भी टर्म लेट किया जा सकता है, बस नियम यह है अगर उसका डेरिवेटिव वही आ जाए जो आपको चाहिए तो टर्म लेट हो सकता है। तो जरा चेक करना इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन dx इज इक्वल टू dt। जरा चेक करोगे कितना लिखा हुआ है, 3/2 x की पावर, तो ये आ जाएगा 3 - 2/2, तो 3 - 2/2 इज 1/2, dx इज इक्वल टू dt। अब ये 3/2 को हटाओ यहां से, तो x की पावर हाफ dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 3। चेक करो x की पावर हाफ dx, x की पावर हाफ dx, बन गई बात, परफेक्ट तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको ट्रिक समझ में ना आ रहा हो तो चेक करना ये टर्म जो डेरिवेटिव होके आया है ये क्या टर्म लेट लेने पर आएगा। अब वो टर्म तो आपको याद रखना ही पड़ेगा या ध्यान रखना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन की पावर में हाफ ही लिखा है, कुछ और लिखा भी आ सकता था, लेकिन उस टर्म को लाने के लिए क्या लेट ले सकते हो वो आपको पेपर में बैठ के एज्यूम करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है। तो पता चला कि x की पावर हाफ किसका डेरिवेटिव है, वो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव है, मैंने उसे लेट लिया, मेरा कंसेप्ट आया। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx, तो x की पावर हाफ dx तो 2/3 dt हो गया, 2/3 और dt। अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 1/1 + x³। सोचो कि यहां से मुझे अगर x क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो कैसे आएगा, सबसे पहले यहां से x का वैल्यू निकालो, वो कैसे निकलेगा देखो, तो x इज इक्वल टू t की पावर 2/3 हो जाएगा। कि भाई अगर मुझे यहां से ये 3/2 हटाना है और मुझे t की पावर में लेके जाना है तो रिवर्स कर दीजिए, आ गई x का वैल्यू, लेकिन मुझे x का वैल्यू तो ना चाहिए, मुझे तो x क्यूब चाहिए, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो x क्यूब इज इक्वल टू t की पावर 2/3 की होल पावर 3, तो कितना आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू पावर से पावर मल्टीप्लाई कीजिए, टी की पावर 2/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया टी स्क्वायर, तो मैंने क्या पुट किया यहां पर, टी स्क्वायर पुट कर दिया। ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब मेरे ख्याल से ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 + x² dx का, जो कि क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस का c, बस ये फॉर्मूला इंसर्ट करना है, डालिए यहां पर, तो I इज इक्वल टू 2/3 बाहर, चलिए लगाइए फॉर्मूला, जिसमें a हो गया 1, x हो गया t, तो 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस का c, तो ये हो गया I इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स t, t को लेट लिया गया हुआ है, x की पावर 3/2 और प्लस का c, ये लीजिए हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।